साल 2020 में कोरोना वायरस की वजह से सबको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। आम लोगों के साथ साथ सितारों को भी कोरोना वायरस की मार झेलनी पड़ी। हालांकि इसी के साथ ही कुछ लोगों के लिए ये साल खुशियां भी लेकर आया। आपको बता दें, बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों के घर साल 2020 में किलकारियां गूंजी। शिल्पा शेट्टी, अमृता राव और नताशा स्टेनकोविक माँ बनी, तो वहीं अनुष्का शर्मा, करीना कपूर खान, अनीता हसनदानी, शिखा सिंह ने प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ सुनाई। करीना कपूर खान दूसरी बार प्रेग्नेंट है। 12 अगस्त 2020 को सैफ और करीना ने आधिकारिक रूप से इसकी अनाउंसमेंट की थी। करीना के प्रेगनेंसी की खबर सामने आने के बाद से सभी बधाइयां दे रहे थे। करीना को अक्सर बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए स्पॉट किया जाता है। करीना प्रेगनेंसी में भी लगातार काम कर रही हैं। अनुष्का शर्मा। इस साल 27 अगस्त 2020 में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ खुशखबरी शेयर की थी कि वे दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। दोनों ने साथ में एक फोटो भी शेयर की थी। तस्वीर में अनुष्का शर्मा का बेबी बम साफ नजर आ रहा था। अमृता राव। एक्ट्रेस अमृता राव के घर 1 नवंबर को किलकारियां गूंजी। उन्होंने अपने बच्चे का स्वागत किया। उन्होंने पोस्ट कर लिखा था, लड़का हुआ है, अमृता और बेबी दोनों बिल्कुल ठीक है, आपकी ओर से इतना प्यार देखकर खुद को खुशकिस्मत समझते हैं हम, थैंक यू। शिल्पा शेट्टी। फरवरी महीने में शिल्पा शेट्टी ने अपनी बेटी के आने की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी। शिल्पा की बेटी का जन्म 15 फरवरी 2020 को हुआ था। सेरोग्रेसी के जरिए शिल्पा शेट्टी के घर बेटी ने जन्म लिया। शिल्पा ने सोशल मीडिया पर बेटी के हाथ की तस्वीर शेयर की थी। नताशा स्टेनकोविक। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक ने मई में घर में आने वाले नए मेहमान की खुशखबरी को फैंस के साथ शेयर किया था। बेबी बम के साथ नताशा की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई थी। अगस्त महीने में दोनों के पेरेंट्स बनने की खबर आई। नताशा ने बेटे को जन्म दिया। अनीता हसनदानी। टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनदानी प्रेग्नेंट हैं। अनीता और रोहित ने एक बेहद क्यूट वीडियो के जरिए इंस्टाग्राम पर ऐलान किया था कि वे माता पिता बनने वाले हैं। अनीता ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि अब वो 2 से 3 होने जा रहे हैं। शिखा सिंह। जून महीने में कुमकुम भाग्य फेम एक्ट्रेस शिखा सिंह मां बनी थी। एक्ट्रेस के घर नन्ही परी ने जन्म लिया। 22 अप्रैल को शिखा सिंह ने फैंस को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था। उन्होंने प्रेगनेंसी फेज जमकर एंजॉय किया था। एकता कौल। टीवी एक्ट्रेस एकता कौल ने 4 जून 2020 को बेटे को जन्म दिया था। एकता ने बेटे का नाम वेद व्यास रखा है। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से उनकी वर्चुअल गोद भराई हुई थी। टीजे सिद्धू। इसी साल अगस्त में करणवीर बोहरा के बर्थडे के मौके पर करणवीर और टीजे ने अपने तीसरे बच्चे के आने का ऐलान किया था। दोनों ने साथ में एक खूबसूरत सा फोटोशूट शेयर किया था और गुड न्यूज़ के बारे में बताया था।